जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवानों की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, लोगों की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, लोगों की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव की पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक अपना परिचय दे दीजिए। संजय सिंह, समाज सेवी, बांसडीह विधानसभा 362 कपूर प्रत्याशी। जी संजय जी, जिस तरह से 2022 का चुनाव नजदीक आ गया, आप भी निषाद पार्टी से दावेदार हैं यहाँ के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से, तो बांसडीह में कितना अभी तक विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हो पाया अब तक? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि बांसडीह विधानसभा जो है 21वीं सदी का समय चल रहा है और 20वीं सदी के विधायक पिछले 3 बार से बनते आ रहे हैं, उनकी सोच 20वीं सदी की है। आज बांसडीह विधानसभा जो एक मनुष्य की मूल आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, उससे वंचित है। आज चले जाइए घाड़ा नदी किनारे, हजारों हजारों की संख्या में लोग बेघर हैं, ठंड का समस्या चल रहा है, लेकिन शासन के विपक्ष के नेता रहते हुए भी उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। रोडों की हालत वैसी खस्ता पड़ी है। ये अपने शासन काल में 2012 का जो कार्यकाल रहा उसमें मंत्री थे, मंत्री होने के बावजूद भी बांसडीह विधानसभा कोई विकास नहीं कर पाए। जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम इससे पहले भी बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हैं, तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं विकास कर पाए अब तक? 3 बार जनता उनको चुनी कैसे उनको? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है बांसडीह विधानसभा की जातिगत समीकरण को आधार बना के जीते गए हैं, लेकिन इस बार बांसडीह विधानसभा की जनता जागरूक हो चुकी है और 21वीं सदी का विधायक खोज बांसडीह विधानसभा चाह रही है, एक नौजवान के रूप में, संजय सिंह के रूप में। और जो इस बार जो पिछले 75 साल की आज़ादी के होने जा रहे हैं, जिसमें बांसडीह विधानसभा एक बार भी भाजपा ने नहीं जीता है, इस बार भाजपा निषाद पार्टी गठबंधन कमल के निशान पे जीतने जा रही है। तो जिस तरह से देखा जाए कि बांसडीह विधानसभा में सबसे मूलभूत समस्याएं सबसे बड़ी क्या है और अभी तक क्यों नहीं पूरा हो पाया? देखिए, मूलभूत समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी। आज बांसडीह विधानसभा बलिया जिले में सबसे बड़ा विधानसभा है, सबसे अधिक 4 ब्लॉक हैं, 4 टाउन एरिया हैं, नौजवान बहुत सारे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन उस नौजवानों की बात सुनने के लिए विधायक के पास समय नहीं होता है। वो अपने जो क्योंकि मूलतः यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बांसडीह विधानसभा के बारे में वो गरीबी के बारे में वो रहते नहीं हैं, वो अपना व्हाइट हाउस बना के रहते हैं अपने दूसरे विधानसभा में अपने घर पे, और या तो लखनऊ मिलते हैं। तो बांसडीह विधानसभा की जो नौजवानों की समस्या है वो कैसे समझ पाएंगे? सोच 20वीं सदी की है। आज का नौजवान चाहता है कि हमारी बात नेता 1-to-1 सुने, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है नेताजी के पास फुर्सत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं, लखनऊ मिलते हैं, मिलना हो तो कार्यकर्ता को लखनऊ जाना पड़ता है, तो कैसे हो पाएगा? तो वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहीं ना कहीं कहना था कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोग हमारे कार्यों को होने नहीं देते हैं और जिसके वजह से ये परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्या कितनी सच्चाई है? ये एकदम सरासर गलत है। देखिए, ये संविधान है, वो पहली बार के विधायक नहीं है, 7 बार जो है वो विधायक रह चुके हैं और एक कद्दावर प्रदेश के नेता हैं, तो ये उनका आरोप लगाना कि बीजेपी नहीं चाहती है सरासर गलत है। अगर क्षेत्र का विधायक चाह दे तो जो शासन और संविधान के नियम से जो विकास कार्य होते हैं वो तो करवा सकता है ना। मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, जो शासन से जो योजनाएं आती हैं वो तो करवा सकता है, ये करना ही नहीं चाहते हैं। बांसडीह विधानसभा को चाहते हैं कि यहाँ गरीबी पड़े, बेरोजगारी बने और उस बेरोजगारी और गरीबी के लाभ उठा के विधायक बनते रहें, जातिगत समीकरण पर बढ़ते रहें। लेकिन इस बार नौजवान हर जाति वर्ग के लोग, इस बार नौजवान संजय सिंह के साथ हैं।